Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra, wishing you a most wonderful, happiest, happy, super duper hit new year. And today I'm back again with a very powerful topic: how to build an iconic, legendary, powerful new year. 3 tips on building this new year. My first tip is one focused resolution will bring revolution. So my first tip is very clear. Do not focus on multiple things. Come on, one resolution is needed. Create a steel strong पावरफुल रेजोल्यूशन ऐसा हो जो हिलता ना हो, रेजोल्यूशन ऐसा हो जो हिलता ना हो. मोर देन 95% रेजोल्यूशंस आर ब्रोकन लेटेस्ट बाय 15 जनवरी. व्हाट डू यू नीड अ स्टील स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन. बड़ा पावरफुल रेजोल्यूशन चाहिए. सो यू गोना मेक अ अनब्रेकेबल स्टील स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन. पर बनेगा कैसे? यू गॉट टू होल्ड ऑन टू योर रेजोल्यूशन. कॉन्शियसली होल्ड ऑन टू योर रेजोल्यूशन. हाथ देखिए मेरा, होल्ड ऑन टू योर रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन बार बार नहीं बदला जाता है. लगातार आपको ऑटो सजेशन देना होगा, आत्म सुझाव देना होगा, ऑटो सजेशन देना होगा, अपने आप को सुझाव देना होगा कि ये रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है. व्हिच इज दैट वन गेम चेंजिंग रेजोल्यूशन दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट कैन क्रिएट मेजर शिफ्ट एंड सक्सेस इन योर लाइफ. लेजेंडरी आइकॉनिक जीवन बनाने के लिए, वो परिवर्तन लाने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए ऐसा रेजोल्यूशन ऑफ रेवोल्यूशन नीडेड. स्टील स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. गोल कोई भी हो सकता है आपके लिए. फिटनेस गोल, रिलेशनशिप गोल, हेल्थ गोल, फैमिली goal, social goal, financial goal, any kind of goal statement that you've got to create. But first point is hold on to your conscious resolution. So create a recall support for yourself. This recall support can help you. television के ऊपर लगा दीजिए, computer के desktop पे लगा दीजिए, mobile पे लगा दीजिए, गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा दीजिए, घर के मेन डोर पे लगा दीजिए, व्हाट्सएप के पीछे लगा दीजिए, बाथरूम के अंदर लगा दीजिए, हर जगह पे लगा दीजिए, किचन के अंदर भी लगा सकते हैं. जगह जगह रिकॉल सपोर्ट की आपको जरूरत पड़ेगी बिकॉज यू गॉट टू होल्ड ऑन टू योर कॉन्शियस रेजोल्यूशन. याद रखिएगा, एक ही रेजोल्यूशन चाहिए. एक रेजोल्यूशन बहुत बड़ा रेवोल्यूशन. चक्कर क्या, बहुत रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, एक रेजोल्यूशन बड़ा रेवोल्यूशन ढूंढिए. वो कौन सा एक रेजोल्यूशन है जो लाइफ में आपके परिवर्तन लेके आएगा. वन रेजोल्यूशन कैन ब्रिंग मेजर रेवोल्यूशन. My second point is transform your stagnation in recession with consistency in progression. Come on, stagnation in recession with consistency in progression. आपका resolution revolution बहुत बड़ा ला देगा, पर एक ही चीज चाहिए. ये जो है ना, ये recession है, आपको चाहिए consistency in progression. ये recession है, consistency in progression. अगर consistency रहेगा progression में तो सब recession पार हो जाएगा. और अगर आपने progression में consistency नहीं दिखाई तो यही recession depression देगा आपको, यही recession डिप्रेशन देगा. प्रोग्रेशन से आप बाहर निकलेंगे, वरना ये रिसेशन डिप्रेशन खा जाएगा आपको. इसीलिए कह रहे हैं कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी. लगातार आपको देखना है कि छोड़ना नहीं है इस रेजोल्यूशन को, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है, जीवन का हिस्सा बना देना है. जो भी आज आप कसम खा रहे, खा लीजिए, जीवन का हिस्सा बना के चलाइए. नीचे गिर गए ना, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बार बार कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, जब उनसे गलती हो जाती है तो वो रेजोल्यूशन को भूल जाते हैं. अरे अब तो टूट गया, अरे अब तो छूट गया. कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन. रिसेशन तभी खत्म होगा जब कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन होगा. लगातार, बार बार, रोज की रोज, रोज की रोज. इसको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा आपको, अपने रेजोल्यूशन को. कम ऑन, लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा अपने रेजोल्यूशन को. कंसिस्टेंसी इन रेजोल्यूशन चाहिए. कपिल देव कहते थे सुबह 4 बजे उठना नहीं है, स्टेडियम पे होना है. सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, स्टेडियम पे रहने का टाइम है. यू डोंट नीड एन अलार्म क्लॉक. योर पैशन इज पावरफुल इनफ टू वेक यू अप. कम ऑन, यू डोंट नीड एन अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं है आपको. आपका पैशन होगा तो आप उठेंगे. इसीलिए कह रहे हैं कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन. गिर गए कोई बात नहीं, गिर गए कोई बात नहीं. कोई भी आदमी पहली बार में परफेक्ट हुआ ही नहीं, कोई भी आदमी ने पहली बार में इतिहास नहीं रचा. बहुत फेलियर आए थे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए. आप अपना रेजोल्यूशन छोड़ देंगे, मैं जानता हूं आप अपना रेजोल्यूशन 15 तारीख से पहले छोड़ देंगे, क्योंकि 95% रेजोल्यूशन था ब्रोकन बिफोर 15th of January. क्या आप भी उनमें से हैं, या यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी? What do you choose? Come on, my question is, आप extraordinary हैं या ordinary रहना चाहते हैं? Consistency चाहिए, consistency. गिर गए उठ जाओ, गिर गए उठ जाओ. कोई नहीं करने वाला, आप ही को करना है. Come on, आपके लिए और कोई नहीं, कोई आपके सर पे हाथ नहीं फेरने वाला. You've got to take your responsibility. मैं आपके साथ वीडियोस की मदद करूंगा, पर कंसिस्टेंसी आपको चाहिए. जानते हैं लोग छोड़ते क्यों है रेजोल्यूशन? उनको ओवरनाइट रिजल्ट मिलता नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं. देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस. कैन आई टेल यू समथिंग? देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस. पेन तो होगा ही होगा. जल्दीबाजी में नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ बात बनती है। दोज हु वर इन हरी हैव गॉन बैक टू लॉर्ड हरी, जो लोग बहुत जल्दी में थे, दोज हु वर इन हरी हैव गॉन बैक टू लॉर्ड हरी। अभी आप क्या करिए, अभी आप फोकस करिए कंसिस्टेंसी पर, लगातार प्रयास करना होगा आपको। देखिए क्योंकि ओवरनाइट तो इंप्रूवमेंट होता नहीं है, और अगर आपने कंसिस्टेंसी इंप्रूवमेंट में नहीं दिखाई, एक बात बता रहे हैं, आपको रिप्लेस करने वाले बहुत दुनिया तैयार हो गई है। आपकी पोजीशन, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपकी कैपेसिटी, आपके पोटेंशियल को रिप्लेस करने वाली बहुत दुनिया तैयार है। 1916 के अंदर एक कंपनी 70 साल तक चला करती थी, लेकिन 2016 में आज कंपनी का एवरेज एज 70 साल से 7 साल रह गया है। क्यों? रिप्लेस किया जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस किया जा रहा है। आपको इंप्रूव करना है अपने रेजोल्यूशंस के माध्यम से, नहीं तो आपको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। बहुत लोग आपकी नौकरी छीनने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, यू विल बी रिप्लेस। आज 20-20 साल के लड़के वेंचर कैपिटलिस्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आज इंजीनियर, एमबीएस, 22-24 साल के यंग लड़के बहुत कुछ तहलका मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। कैन आई टेल यू समथिंग सर, कबूतर की चिट्ठी को हाथ के पैगाम ने रिप्लेस कर दिया, हाथ के पैगाम को टेलीग्राम ने रिप्लेस कर दिया, टेलीग्राम को कोरियर ने रिप्लेस कर दिया, कोरियर को ईमेल ने खत्म कर दिया, ईमेल को सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया। आज सोशल मीडिया को व्हाट्सएप खा चुका और व्हाट्सएप के खात्मे की तैयारी चल रही है। कैसे व्हाट्सएप को खत्म कर दिया जाए, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। रेजोल्यूशन लेना पड़ता है, बहुत भयंकर स्टील स्ट्रांग रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। आपका रेजोल्यूशन अगर स्ट्रांग नहीं हुआ ना, आप अपने आप को इंप्रूव करना बंद कर गए तो गिर जाएंगे। एंड माय थर्ड पॉइंट इज रिक्रूट सपोर्ट। कम ऑन, माय थर्ड पॉइंट इज रिक्रूट सपोर्ट। एक बड़ा परिवर्तन और लाना पड़ेगा अब आपको, बहुत जरूरी परिवर्तन है, ये लाने में तकलीफ आती है। वो क्या है, किसी ऐसे आदमी की संगत में आना पड़ेगा, ऐसे आदमी से सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा जो आपके एरिया में, आपके रेजोल्यूशन में मास्टर हो। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपके एरिया के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट हो, वो उस एरिया का सुपर मास्टर हो। ढूंढना पड़ेगा कोई आपको, अपने आसपास में देखिए, रिश्तेदारी में देखिए, दोस्तों में देखिए, ईमेल पे देखिए, फेसबुक सपोर्ट लेकर के आइए। कहीं ना कहीं से अमेरिका, यूरोप, स्काइप के ऊपर किसी भी प्रकार से उनके साथ सपोर्ट लीजिए जो कंटिन्यूसली आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दें, जो कंटिन्यूसली आपको इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट दें। बचपन में तो आपने ट्यूशन ली थी, जिस सब्जेक्ट में वीक थे इंडिविजुअल ट्यूशन भी ली थी, लेकिन आज आप लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि क्या आपके लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं? यहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरेबल सपोर्ट तभी मिलेगा व्हेन यू रिक्रूट सपोर्ट। किसी ऐसे आदमी का साथ उठाइए जो आपको मंथरा और शकुनी की तरह नीचे ना खींचे, क्योंकि कई मंथरा और शकुनी होंगे आपके जीवन में जो आपको बार बार नीचे खींचेंगे। वो अब जो ऑब्जेक्शंस देने वाले हैं, वो इस रेजोल्यूशन को लेकर कई ऑब्जेक्शन देंगे आपके फ्यूचर में, लेकिन वो ऑब्जेक्शन दे उससे पहले आप ढूंढिए कौन सा सपोर्ट। किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस, कम ऑन, किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। इससे पहले कि ऑब्जेक्शन आए, इससे पहले कि लोग आपको तंग करें, इससे पहले कि कई मंथरा शकुनी आके आपको नीचे खींचने की कोशिश करें, पहले ही खात्मा कर दो। कुछ ऐसा सपोर्ट अपने साथ में ले लो, कुछ लोग ऐसे अपने आसपास इकट्ठे कर लो जो आपको मदद करने वाले। इस रेजोल्यूशन के अंदर ढूंढना पड़ेगा आपको वो लाइक माइंडेड लोग, आप ही को ढूंढने पड़ेंगे। वो उस प्रकार के लोग जो आपकी मदद कर सकते हैं, आप ही को ढूंढने हैं। ढूंढिए, लगातार रिसर्च करिए। जैसे ही आपको 10, 12, 5, 7, 8 लोग आपके आसपास, आपके नजदीक मिल गए ना, वो आपको बहुत ताकत देने वाले। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपके लिए वास्तव में रेवोल्यूशन ला देगा। और यह रेवोल्यूशन लाना कठिन नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों की संगत में रहना है। एक एथलीट एथलीट के साथ में पनपता है, एक गोल्फर गोल्फर्स के साथ में पनपता है, एक क्रिकेटर क्रिकेटर्स के साथ में पनपता है, एक मैथमेटिशियन मैथमेटिशियंस के साथ पनपेगा, साइंटिस्ट साइंटिस्ट के साथ पनपेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा वो एसोसिएशन जो आपकी मदद कर सकता है। अपने आप को, अपने घर को शिफ्ट करिए, अपने दोस्तों को में शिफ्ट लेकर के आइए, अपनी मूवीज में शिफ्ट लेके आइए, अपने रिलेशनशिप्स आपको नए बनाने पड़ेंगे। आपको हो सकता है एक नए तरीके के सपोर्ट क्रिएट करने पड़े। ये बड़ा परिवर्तन है, ये एक और परिवर्तन है, ये परिवर्तन लोग नहीं ला पाते और उसके बाद अपने रेजोल्यूशन को भूल जाते हैं। सो प्लीज डू वन थिंग, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 पीपल हु कैन एक्चुअली हेल्प यू। ऐसे 3 लोगों का नाम लिखिए जो आपकी वास्तव में मदद कर सकते हैं। दीज 3 पीपल, हियर इज अ टेम्पलेट। लिखिए कौन 3 लोग हैं जो मेरे इस स्टील स्ट्रांग रेजोल्यूशन में मेरी मदद कर सकते हैं, और तुरंत उनको अप्रोच करिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। यकीन मानिए ये 3 टिप्स बहुत लोगों के जीवन में क्रांति लाए, आपके जीवन में भी क्रांति ला देंगे, लेकिन तभी लाएंगे जब आप इंप्लीमेंट करेंगे। इसीलिए अभी के अभी अगर और कुछ ना हो सके, एक काम जरूर करिएगा। यहां लिखिए माय फोकस रेवोल्यूशनरी रेजोल्यूशन इज, माय फोकस रेवोल्यूशनरी रेजोल्यूशन इज। आपका क्या वो रेवोल्यूशनरी रेजोल्यूशन है? अगर नहीं लिखेंगे ना तो दिमाग में छपेगा नहीं, ये टैटू की तरह छप जाना चाहिए। स्किन का टैटू होता है, ये ब्रेन का टैटू बन जाएगा। अभी के अभी लिखिए आपका रेवोल्यूशनरी रेजोल्यूशन क्या है। व्हाट इज दैट योर वन फोकस रेवोल्यूशनरी रेजोल्यूशन दैट कैन ब्रिंग मेजर रेवोल्यूशन। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ऐसे व्यक्ति जिसको इसकी जरूरत हो और रेजोल्यूशन से उसकी लाइफ में परिवर्तन आ जाए, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज, कॉलीग्स, जूनियर, सीनियर, सबसे ये वीडियो शेयर करिए, उनको बहुत फायदा होगा। ये फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी में मैं वीडियो देता रहूंगा, आपको आपकी मदद करता रहूंगा। लगातार आपके एक एक कॉमेंट को पढ़ता हूं मैं, जो भी आप लिखते हैं पढ़ता पढ़ता हूं और वो आपकी मदद करने के लिए मैं आपके फीडबैक के रूप में आपको ये वीडियोस बना के देता हूं। सब्सक्राइब नाउ, मेरे साथ जुड़े रहने